गंडक के जलस्तर बढ़ने से कटाव और बाढ़ से जूझ रहे पीड़ितों को यूपी के राहत शिविर में शरण मिला है। बीते चार दिनों से बिहार के बाढ़ पीड़ित परिवार को यूपी के शालिकपुर शिविर में शरणार्थी बनकर जीवन यापन कर रहे हैं। अभी तक किसी पदाधिकारी या जन प्रतिनिधि ने इनकी सुध नहीं ली है। बिहार के बाढ़ पीड़ित यूपी सरकार के शिविर के भरोसे हैं। बिहार सरकार की ओर से राहत की राह देखते वो थक गए। फिलहाल यूपी सरकार की राहत शिविर उनकी जिंदगी का सहारा है। अब हमने को 4-5 बेर हो गए जैसे कटाव नदी में, जैसे मान ली भादो में या सावन में कटाव को हमने घर डुबा दिला, दस जलाई जैसे हमने के देख रेख करे वाला केहू नहीं के। जब अपने आप लोग जहाँ जहाँ मैंने बढ़िया स्थान देखे ला वैसे घर बनावे ला, फिर नदी आए वाला भादो में या सावन में कट दिला। तो ऐसे मान ली कि बिहार सरकार हमने को मदद देत नहीं है। मान ली कि कटाव से हमने के बाल बच्चा लेकर कहाँ जाए जा, ये शालिकपुर पुलिस चौकी के बगल में बनी जा यूपी में ये बार रह रहा बनी जा। तो ये चाहता नहीं कि आज पानी 6 दिन 7 दिन हो गए ना, हम जमीन सब कट के ओरा गई, घर दह गई, कुछ नहीं है, दे भले के भागल बने बांधा पर। यहाँ क्या व्यवस्था है? ये सब व्यवस्था बाटे यूपी से। और बिहार के कोई बिहार का केहू नहीं आई सरकार, यूपी के सरकार खाना पीना उनके द्वारा ये कहा गया कि कैंप राहत कैंप बना लीजिए, तो सर के निर्देशन में हमने राहत कैंप बनवा लिया। यहाँ पर करीब 300-400 जो है बेड लगा दिया गया है, उनमें रजाई गद्दा लगवा दिया गया है, कुछ लोग आके रहते भी हैं, यहीं पर रहते हैं, अपना बनाए हैं। पर डे मेरा जो है 1000 लोगों का भोजन कराता हूँ, 1000 लोगों का जो लोग नहीं आ पाते महिलाएँ और बच्चे, तो वो लोगों को लंच पैकेट बनवा के दे देते हैं। पिपरासी के तमाम लोग आपके कैंप में देखे गए हैं, तो बिहार के तमाम लोग हैं, उन लोगों को भी राहत पहुँचाते हैं, आप लोगों को कैसा लगता है? सर मेरे लिए यूपी और बिहार नहीं है बल्कि एक माननीय पहलू है सर। और हाँ, मेरे संज्ञान में आया है कि ये काठी टोला नाम है ना, काठी टोला के लोग आते हैं, बल्कि मैंने स्पेशली उनको देखा घर जो और वो चीज़ें, तो उनको जो है मैंने कहा आप लोग इसी में रहिए और हमारे यहाँ खाना। पर डे मैं जाता हूँ, पहले उनको पूछता हूँ, पहले उन लोगों को काठी टोला के लोगों को पूछता हूँ कि आप लोग खाना खाए कि नहीं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।